हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे महाभारत के एक किरदार उत्तमौजा जी के बारे में। उत्तमौजा और युधामन्यु, ये दोनों वे लोग हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में भी आता है, जब दुर्योधन जी भीष्म पितामह को अपने सेना के प्रमुख लोगों और विपक्ष की सेना के प्रमुख लोगों के बारे में बताते हैं। तब जब वे पांडवों की प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बताते हैं, तब उन्होंने उत्तमौजा जी और युधामन्यु जी, इन दोनों का नाम लिया था, जो कि दोनों पांचाल के राजकुमार थे। पांचाल के राजा उस समय द्रुपद थे, वहाँ की राजकुमारी द्रौपदी थी जो कि पांडवों की पत्नी थी, तो इस तरह से ये द्रौपदी के भाई हुए रिश्ते में। इन दोनों को महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी के रथ की सुरक्षा का कार्यभार सौंपा गया था। तो युधामन्यु जी को तो उनके बाएं तरफ और उत्तमौजा जी को उनके दाएं तरफ की सुरक्षा का कार्य सौंपा गया। ये महाभारत के युद्ध के काफी अंत तक रहे, परंतु 18वें दिन जब अश्वत्थामा के मन में यह विचार आया कि मैं सोते हुए पांडवों को मार दूं, तब उन्होंने पांडवों के पुत्रों के साथ इनको भी मार दिया था। तो इस तरह से उत्तमौजा और युधामन्यु का वध अश्वत्थामा के हाथों हुआ। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।